हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल उत्तराखंड। सो गाइस, अपना केदारकांठा का ट्रैक ख़त्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं यहाँ व्लॉगिंग नहीं करूँगा, और जब तक मैं कोई नई जगह पे नहीं जाता हूँ मैं दूसरा ब्लॉग शूट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे हो रहा है कि मैं सिर्फ शूट करते जा रहा हूँ बट एडिटिंग करने का कोई टाइम नहीं मिल रहा है। और यहाँ से, क्योंकि केदारकांठा से अभी रिटर्न जर्नी मेरी स्टार्ट होगी टूवर्ड्स लाइक मसूरी एंड ऑल, तो मैंने सोचा था कि रिटर्न जर्नी में क्या शूट करूँगा। ऑलरेडी तो सब कुछ शूट कर लिया है, दिखा दिया है वीडियोज़ में, बट गाइस कुछ ऐसा हुआ कि मुझे दूसरा एक ब्लॉग बनाना ही पड़ा, ज़रूरी समझा मैंने बनाना। क्यों? क्योंकि ट्रैक के बाद अपना जो लास्ट डे था उसका जो हमारा स्टे है ये सांकरी के ही विलेज में एक होम स्टे में हुआ है, और गाइस ये विलेज बहुत ही सुंदर है, तो इस विलेज की खूबसूरती के लिए ये ब्लॉग बनाना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा। तो मैं आपको ये विलेज एक 2-3 मिनट के एक छोटे से वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, सो जस्ट बी विथ मी। सो गाइस, इस विलेज में ज़्यादातर घर लकड़ियों से बनाए जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो होमस्टे है, ये हमारा होमस्टे है, मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर घर के नीचे कुछ इस तरह से स्टोरेज के लिए जगह होती है और घर ऊपर होता है। तो चलते हैं अपने रूम में। सो यहाँ पर ऐसा पैसेज है, ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थोड़ा सा भी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लाउंज एरिया है जहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और गाइस, लाउंज से मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू कैसा है, ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पर सामने है हिमालय की पहाड़ियाँ, आप देख सकते हैं। सो दिस इज आवर रूम, ऑल वुडन, दीज आर माय फ्रेंड्स, से हेलो गाइस। हेलो, हेलो, हाय। सो यहाँ पर हम लोग कल रात को रुके हुए थे। तो अभी थोड़ी सी विलेज की सैर कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि तबेला कुछ इस तरह से होता है। ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, क्योंकि गाय के बच्चे ठंड सहने के लिए इतने अभी तक स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनको अंदर रख देते हैं। ये देखिए गाइस, व्यू कुछ इस तरह से है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल बेड्स बनाने के लिए भी होता है। और भैया, ये क्या अपने खच्चरों के खाने के लिए भी होता है? हाँ, ये घास है, घास की टोली बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, तो खच्चर खा स्टोर करके गाय खच्चर कुछ भी खा। अच्छा, और इसी से ये भी बनता है ना, बिस्तरा भी बनाते हैं, कल एक दीदी कह रही थी अलग होता है। अच्छा, वो अलग वाला होता है क्या? उसको सूत्र बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कि उससे गर्मी बनी रहती है। चलो थोड़ा सा गाँव घूम रहा हूँ। सो देखिए गाइस, यहाँ पर आप मोस्टली सिर्फ लकड़ियों के ही घर देखोगे। ये भैया कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कंक्रीट के घर बनाए पर वो ज़्यादा टिके नहीं, और ये पर्टिकुलरली ये वाला जो घर है ये 180 इयर्स ओल्ड घर है। इसकी सिर्फ साल में या 2 साल में कभी थोड़ी सी मरम्मत होती है। बट देखिए गाइस, यहाँ से मैं एक छोटे से पैसेज से जा रहा हूँ, कल भी हम यहीं से आए थे, तो थोड़ी सी मिट्टी और लकड़ी इनके जॉइंट से ये घर बनाए जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और इन गलियों में थोड़ी सी वार्मथ भी है, ज़्यादा ठंड नहीं है। और जलाने की लकड़ियों को कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है यहाँ पर, और ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये विलेज है, देख सकते हैं। यहाँ पर आगे एक स्प्रिंग है जहाँ से फ्रेश वाटर बहता है पहाड़ियों से, वहाँ से फ्लो होके आता है और यहाँ से चला जाता है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर खेती काफ़ी कम होती है, बट जो भी इनके यहाँ पर कद्दू वगैरह होते हैं उसको कुछ इस तरह से स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी सब्जियाँ कम होगी तब उनको यूज़ करके अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। और
उस तरफ नीचे भी एक कुछ तो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक वो थोड़ा सा एक टेम्पल जैसा दिखाई दे रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी पुराना घर है, मैं आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस। इस गांव के ऑलमोस्ट सारे घर अराउंड 80 to 150 ईयर्स ओल्ड हैं। और तो घर का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, नीचे जो होता है वो स्टोरेज के लिए बनाया जाता है, ज़मीन से घर को उठाकर ही बनाया जाता है ताकि ठंड में ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही कमरा हो। ये घर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये मुझे थोड़ा सा एक टेम्पल जैसा कुछ तो लग रहा है। एक भैया आ रहे सामने से, उनसे पूछते हैं। भैया ये क्या है? ये चीज़ क्या है? मंदिर है ना? घर है किसी का? सामान सामान के लिए स्टोरेज। इतना खूबसूरत मुझे तो लगा मंदिर है। अच्छा ये छोटा वाला, ये उधर जाके देख सकते हैं किस कोई कुछ बोलेगा? जाऊं? ठीक है, थैंक यू जी। आंटी इधर जा सकता हूँ? हाँ। क्या है ये? मंदिर है। मंदिर है? यह मंदिर, ये बैठे का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। सो गाइस थोड़े दो डिफरेंट आंसर्स मिले मुझे। दीदी कह रही कि मंदिर है, और वो भैया कह रहे थे कि सामान रखने की जगह है। तो फिर भी हम अंदर जाके एक बार देख लेते। यस आया आया, बस पाँच मिनट बस। ये भी स्ट्रक्चर पूरा वुडन है, आप देख सकते हो। वाव, दिस इज रियली पीस ऑफ आर्ट। ये सिर्फ ये सोच के नहीं बनाया कि यार कुछ तो स्टोरेज के लिए या व्हाटएवर बनाना है, इस पर कितना आर्ट वर्क हुआ है आप देख सकते हो। कार्विंग हुई है, वुड कार्विंग, थोड़ा सा मेटल वर्क भी है। लुक एट दैट लॉक, कितना पुराना है और कितना एंटीक लग रहा है वो। एंड बड़ी बात यह है कि ये अभी भी यूज़ में है, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ पड़ा है यहाँ पर। वाह काफ़ी खूबसूरत है। सो कुछ घर इस तरफ भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया है रूफ़ जो है वो टिन के ही बनते हैं, टिन के शीट्स के, बट पीपल दे प्रेफर कलरफुल शीट्स। जैसे ये रेडिश है वो ब्लू है, वहाँ पर ग्रीन भी देख सकते हैं आप। और जिसका रूम में हम लोग रुके हुए थे उसका भी रेड ही है, बट गेस कर सकते हैं कि ये वुड काफ़ी पुराना है। दीदी आपका घर कितना साल पुराना है? भैया घर कितना पुराना है? ये काफी पुराना है। कितने साल? 35 साल पुराना। सही है। सो यस गाइस, आप देख सकते हैं लोकल्स जो है थोड़े से शर्मीले होते हैं, पर अगर आप उनको सही तरह से अप्रोच करोगे तो आपसे बात करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, हमारे ट्रैक के सर्टिफिकेट्स हमें मिलने वाले हैं। आउट ऑफ 42 पीपल 40 पीपल ने समिट कंप्लीट किया है। दो लोग ऐसे थे उनको हेल्थ की इशू होने लग गई थी तो उन्होंने नहीं किया। यस गाइस ये था अपना सांकरी विलेज। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा उत्तरकाशी की तरफ। रास्ते में मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ, मैं ब्लॉग बनाऊँगा सीधा उत्तरकाशी पहुँच के। सो मिलते हैं सीधा उत्तरकाशी। बाय बाय।